हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम ड्यूड। आप सबका स्वागत है इस चैनल में, जिसमें हम लोग बातें करते हैं परफ्यूम्स, अतर्स, ड्यूडेंट्स, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो खुशबू फैलाती हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इन कैटेगरी में तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आज बात करेंगे एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जिसके जो जन्मदाता हैं वो एक बहुत ही फेमस रैपर हैं। आप ऐसे जैसे जेन जी रैपर उनको बोल सकते हैं, जिनका नाम है किंग। उनका एक ब्रांड है जिसका नाम है ब्लैंको, और उसका एक फ्लैंकर है डॉस्क, जो मैंने खरीदा हुआ है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कैसा है ये परफ्यूम, क्या है इसका परफॉर्मेंस, क्या है इसका प्राइस रेंज, और इसे लगाना कितना दूर मुझे अच्छा लगा और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस इंट्रो के बाद। तो पहले ही बता दूँ, ये जो परफ्यूम है ये मेरे को 100 ml लगभग 399 रुपीस का पड़ा, जो कि एक्सपेक्टेशन से बाहर था। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिला 100 ml वाला परफ्यूम, जो कि EDP वर्जन यहाँ पे मेंशन है। उसके बावजूद भी मुझे अगर ये 300-400 के रेंज में मिल रहा है तो मैं काफ़ी खुश था। तो जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो एक सिंपल सा प्रेजेंटेबल बॉक्स मुझे मिला, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी एक बॉक्स आई थी, एक कार्ड भी आया था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, बट वो मैंने फेंक दिया। इसको मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी डिसेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसमें MRP 999 का मेंशन किया गया है। यहाँ पे यूज़ का डायरेक्शन दिया हुआ है, वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं पहले से, नेक रीजन में, हाथ पे और कपड़े पे भी चाहे तो कर सकते हैं। अंदर देख लेते हैं, एक सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स है, अंदर काफ़ी कार्डबोर्ड का सपोर्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मुझे लगा। आप देख सकते हैं बॉक्स ऐसे और नीचे इस तरह का इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके बॉटल की, बॉटल भी काफ़ी डिसेंट है, मुझे ऐसे ही सिंपल बॉटल्स पसंद हैं। आप लोग इसे अगर कहीं रखते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा दिखता है। कलर जो दो शेड में आप लोगों को दिख रहा होगा, एक डार्क शेड ऊपर की तरफ जाता है, रेड है इसका बेसिक कलर, और कैप जो है भारी सा प्लास्टिक कैप आप लोग को देखने को मिलता है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैप है। स्प्रेयर, एक सिंपल प्लेन स्प्रेयर ब्लैक कलर में, और स्प्रे आप लोगों को दिखा दूं तो एक डिसेंट स्प्रे आप लोगों को दिखा होगा, बट इससे भी बेहतर हो सकता था। बट इस प्राइस रेंज में आप लोग ये जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द बिल्ड क्वालिटी, तो ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक परफ्यूम में होता है वो है इसका जो सीन प्रोफाइल, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। तो इसके इसका जो नोट ब्रेकडाउन है जो इन्होंने दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे या फिर सारी जो प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो काफ़ी डिफर किया मुझे इसके एक्चुअल जो यूजेस के बाद मुझे इसका नोट्स फील हुए, लिखावट से वो काफ़ी अलग थी। मैंने कोशिश की ढूंढने के लिए उन नोट्स को, लेकिन ये काफ़ी अलग नोट मुझे निकल के निखर के आई। कुछ हद तक मिसगाइडेड हैं वो वाले जो इन्फॉर्मेशन उस पर दिए हुए हैं, लेकिन एक अलग टेक है। अगर पहले ही बता दूं, ये एक वॉर्म, सेडक्टिव, स्पाइसी, उडी, थोड़ा मतलब ऐसे जैसे आपको थोड़ा सा इंसेंसी सा वाइब देता रहेगा आपको। तो अगर आपको वॉर्म परफ्यूम पसंद है, अगर आपको स्पाइसेस पसंद है, वो स्पाइसेस में भी वॉर्म स्पाइसेस पसंद है जो ज़्यादा आपको हिट करती हैं, तो आपके लिए है ये परफ्यूम। अगर आपको उतना वॉर्मनेस पसंद नहीं है परफ्यूम के अंदर तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। इसका एक और फ्लैंकर है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। ये मेंशन करते हैं इनके टॉप नोट में लेमन, बगमॉट, बेसिल और काफ़ी सारे ऐसे सिट्रस एलिमेंट या फिर फ्रेश एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। वैसे सारे जो एसेंस बनते हैं उसके टॉप नोट्स में सिट्रस का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे इस पर मुझे सिट्रस ढूंढना पड़ा, मुझे बहुत ही कम सिट्रस का एहसास हुआ। बेसिल का इस्तेमाल हुआ है, वो तुलसी वाला एहसास थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, एक ग्रीननेस भी टॉप में आपको एहसास होता है, लेकिन इसके पहले ही नोट से मुझे वो स्पाइसेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा पर्सनली। मुझे ऐसा लगा जैसे नटमेग का इस्तेमाल हुआ है,
सुपारी जैसा एक स्मेल आपको हिट करता है इसके पहले ही स्प्रे पे। उससे भी पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मिलता है 300-400 के रेंज में, तो इस पे वो सिंथेटिक वाइब आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलेगा। इसके स्प्रे पे ही आपको अल्कोहल का ब्लास्ट मिलता है, फिर धीरे धीरे ये सटल होता है, परफ्यूम भी परफॉर्म करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिलेगा कि इसके जो सारे नोट्स ब्लेंड्स हैं वो काफ़ी सिंथेटिक हैं। इसकी जो मिड नोट में मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे जैस्मिन का भी एहसास मिला, लेकिन ज़्यादातर नटमेग डोमिनेटेड रहा। मुझे वेटिवर का भी इस्तेमाल मिलता है, लेकिन ये लोग मेंशन नहीं किए हैं, ना ही इसमें नटमेग है ना ही इसके अंदर वेटिवर का इस्तेमाल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा इसके अंदर वेटिवर वो थोड़ा हार्श खस का इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है। और इसके ड्राई डाउन में मुझे एम्बर, एगरवुड, टोंका बीन का इस्तेमाल मिलता है, ओकमॉक्स मिलता है, वेटिवर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है और मेंशन भी है इसके ड्राई डाउन में। वेटिवर शुरू से भी थोड़ा थोड़ा एहसास करवाता है आपको, वेटिवर वो खस वाला, लेकिन वो हार्श टाइप एलिमेंट इसके अंदर मिलता है एकदम, वो जो स्मूथ वाइब वो थोड़ा कम है, तो वेटिवर की वजह से थोड़ा इंटेंस भी लगता है। मुझे पर्सनली इस तरह का जो सेंट प्रोफाइल है वो उतना ज़्यादा नहीं लुभाता, एकदम से स्पाइसेस मुझे थोड़ा उतना अच्छा महसूस नहीं करवाते। तो कई लोग हैं जिनको एकदम स्पाइसी वॉर्म परफ्यूम पसंद है, अगर आपको इस तरह का परफ्यूम पसंद हो तो आप इसे ले सकते हैं। वैसे भी प्राइस रेंज इसका बहुत कम है, तो आप इसे लेके डिकेंड वगैरह तो इसका मिलना मुश्किल ही है, आप लोग इसे लेके खरीद के ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म में भी मिलता है, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्म में करता है, वॉर्म परफ्यूम है, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस जो इससे एक्चुअली में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, तो वही थोड़ा लूप होल है इसका। एक वॉर्म परफ्यूम होने के बावजूद भी ये वही 3-4 घंटे तक स्किन पे थोड़ा महसूस होगा, प्रोजेक्शन हल्का महसूस होगा, फिर ये काफ़ी क्लोज टू स्किन हो जाता है। 5-6 घंटे तक स्किन पे रहता है, लेकिन काफ़ी क्लोज टू स्किन रहता है। कपड़े पे रखें तो ये 5-6 घंटे तक का ही एक डिसेंट हल्का एक स्मूथ प्रोजेक्शन देता रहता है, वही नटी सा वाइब, थोड़ा इंटेंस फील, वो थोड़ा स्पाइस, वेटिवर, ये सारा एहसास 5 से 6 घंटे तक आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस सर्दी में अगर आप लोग वो स्पाइसी परफ्यूम लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, एक अलग हटके परफ्यूम होगा अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे इस्तेमाल करने से पहले आप इसे समझिए फिर इस्तेमाल करिए तो आपके लिए बेहतर है, वरना परफ्यूम्स ऐसे भी होते हैं जो दिमाग पे चढ़ते हैं, असर करते हैं, तो ये उस कैटेगरी का परफ्यूम है, तो थोड़ा देख के इस्तेमाल करिएगा। सब एज ग्रुप के लिए नहीं है ये, थोड़ा ज़्यादा एज वाले लोगों को ज़्यादा जचेगा, जो मैच्योर मैन हैं उनको ज़्यादा जचेगा, और यूनिसेक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारे जेंडर्स पे, लेकिन ज़्यादा लीन करता है ये मर्दों की तरफ, अगर मेल जेंडर वाले इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए सही ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, सारे परफ्यूम्स के रिव्यू आप तक लेके आ पाएँ, इसी दुआ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।